नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं कुशाग टुडे लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकारी अस्पताल में पदस्थ नर्स के घर किया जा रहा था गर्भपात, बीएमओ ने की कार्रवाई। सरकार चाहे कितने भी जतन कर ले लड़कियों की सुरक्षा के, परंतु आज लड़कियां बाहर ही नहीं माँ के गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक मामला होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में देखने को मिला, जहाँ सरकारी अस्पताल में पदस्थ नर्स इंचार्ज के घर पर अवैध रूप से गर्भपात किया जा रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्टाफ नर्स इंचार्ज कांता ठाकुर के घर पर छापेमारी के दौरान गर्भपात करने के सबूतों का खुलासा किया। बीओ बीएमओ कांति बाथम ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स के घर गर्भपात किया जा रहा है, जिस पर जब घर पहुंचकर देखा तो अवैध तौर पर गर्भपात जिस महिला के द्वारा किया जा रहा था वो लगभग 8 वर्ष पूर्व। किस तरह का मामला है? सूचना पर मेरे द्वारा गर्भपात किया जा रहा है, जिसमें महिला के घर पर जाकर देखा गया तो वहाँ पर एक दाई द्वारा अवैध रूप से गर्भपात किया जा रहा था। उस को गर्भपात करते हुए स्थिति में देखते हुए तुरंत बाद में मैंने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जी आर करवाई साहब को बुलाया और इस चीज़ की इंफॉर्मेशन बाकी अपने अधिकारियों को। इस पर किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी? अब इस पर कार्रवाई क्या है कि किसी की यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा नहीं हो तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का गर्भपात किया जाए तो इससे उस मरीज की जान को जोखिम, इसके लिए थाने को तो हमने इन्फॉर्मेशन दे दिए। बाकी उच्च कार्रवाई के लिए हम अपने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेंगे और उन्होंने लिखित इन्फॉर्मेशन दे दी। आज दोपहर लगभग 3:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा से बीएमओ डॉक्टर श्रीमती कांति बाथवा द्वारा एक अस्पताली मेमो थाने पे भेजा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लगभग 4 माह का भ्रूण जो है गर्भ से निकाला गया है। उसकी जांच पर उप निरीक्षक वैशाली उइके और उप निरीक्षक पटेल को मैंने मौके पर भेजा। मौके पर जाके इन लोगों ने जांच की, जांच पर पाया गया कि ग्राम रजौरा जाट के राजेंद्र प्रजापति और उसकी पत्नी रेखा प्रजापति ने जो है अपने भ्रूण जो है 4 माह के गर्भ को गिरवाया है एक नर्स की मदद से, और चूंकि 4 माह में उस भ्रूण में जान पड़ गई थी इसलिए डॉक्टर की रिपोर्ट पर हमने मर्ग पंजीबद्ध कर उस भ्रूण का पोस्टमार्टम करा लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और अन्य संपूर्ण जांच होने के बाद में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो ये नर्स है ये भी क्या शासकीय सामुदायिक भवन सिवनी मालवा पदस्थ है? हाँ, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा में पदस्थ। सर, प्रथम दृष्टया क्या देखने में आया, कुछ ऐसा मिला जो कानून की नर्स के द्वारा अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें।